टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आदि और फैजान ये अंदाज आपका, अरे आदि और फैजान ये अंदाज आपका, मजेदार शो का दीवाना कर गया, मजेदार शो का दीवाना कर गया। आप दोनों का तो कुछ भरोसा नहीं, मार डालेना हमको अदाने कहीं, ये हंसी बातियाँ ये समा प्यार का, आप दोनों के दिल में हुआ कुछ नहीं। हो हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, अरे हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आदि और मैदान ये दीवाना कर गया, अरे आदि और मैदान तो दीवाना कर गए, अरे धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया काशी भाई, बहुत शुक्रिया काशी भाई, बहुत शुक्रिया हमारा टाइम जाया करने का, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पैसे आपके हम फिर भी नहीं बढ़ने देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द मजेदार शो सीजन 3 विद आदि एंड फैजान। आदि भाई आज पहले से यहाँ मौजूद है। आदि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? बिल्कुल आज क्योंकि मैं पहले आ गया इसलिए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी और शो का हिस्सा हूँ मैं। अच्छा हाँ, नहीं लेकिन बहुत सारी तालियां हमारे बैंड के लिए बजाएंगे जी। बिल्कुल भाई, इतना अच्छा गाना बजाते हैं, करार बैंड हमारे साथ मौजूद है, और बहुत सारी तालियां हमारे लाइव ऑडियंस के लिए भी हम बजाएंगे। चलें दोनों तरफ जी बिल्कुल। आदि भाई क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में कुछ नहीं चल रहा, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ महंगाई चल रही है और गर्मी की लहर चल रही है जी। मेरे ख्याल से जब तक ये शो आएगा तब तक बारिशें भी हो चुकी होंगी, हमारी आधी ऑडियंस डूब भी चुकी होगी। तो बहुत बस यही चल रहा है और तो कुछ हालात नहीं। कोरोना वापस आ गया माशाल्लाह से, बिल्कुल सुसर की तरह है कि जाता है और फिर वापस आ जाता है। तो कोरोना भी आ गया है वापस और मेरे ख्याल से लोगों को अपना ख्याल भी। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कोरोना जो है वो आया नहीं है लेकिन हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। ये फजूल, मैं इसको बकवास कहता हूँ। अच्छा, मेरी अगर डिक्शनरी में देखा जाए जी जी। क्योंकि जब पहले भी आया था हाँ। तो हम यही बकवास कर रहे थे कि कोरोना कोई चीज ही नहीं होती हाँ। फिर जब हमारे अपने दुनिया से चले गए तो हमने कहा कि कोरोना आ गया। अब हमने ये नई बात शुरू कर दी है कि नहीं है, लोग बना रहे हैं, लेकिन फिर कल को हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि यार ये सच। बिल्कुल ठीक है जी। एक जबरदस्त होस्ट, एक बहुत ही जबरदस्त एंकर और एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर, इनसे मेरा सबसे बड़ा गिला ये है कि आप एक्टिंग क्यों नहीं कर रही, मसला क्या है, सुस्ती की वजह क्या है? लेकिन हमने इम्यूनिटी की बात की और हेल्थ की बात की, इन्होंने जितना अपनी हेल्थ को सीरियस लिया हुआ है, हम शर्मिंदा हैं इनके सामने इस तरह खड़े होके हाँ। कि हमें भी अपनी हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए। जब वो आई थी तो हम तरबूज खा रहे थे हाँ। हम अजीब से हो गए उनको देख के, ये हाँ। अभी बनता नहीं था, एक दूसरे पे डाल दिया हमने कि ये तो इसका है, मैं तो नहीं खा रहा। तो जी बहुत सारी तालियां बजाएंगे द वन एंड ओनली माया खान। एक आदमी को आपने हैरान परेशान कर दिया। मैट्रिक की लड़की कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे बढ़ गई? मैं तो बहुत जबरदस्त, थैंक यू। आइए जी, आइए बैठिए, बैठिए, बैठिए। सो गुड टू बी हियर। फाइनली आप लोगों ने मुझे बुला लिया, मैं कब से तड़प रही। लेकिन आपने ना बुलाया हमें, असल में हमने आपको 6,500 शोज किया, आपने पता नहीं कहाँ कहाँ हमें ना बुलाया। आपने कहा आप कब से तड़प रही थी, हमने आपको इसलिए नहीं बुलाया, आप तड़प रही थी, हम आपसे शो कैसे कराते, तो हम चाह रहे थे फड़फड़कना कम हो तो हम बुलाएं आपको। है नहीं, आप चाह रही हैं ऐसे अभी
अभी शुरू हुआ, ठीक हो जाएगा। आप क्या चाह रही है कि मैं आपको ये कहूंगी हमारे पास पैसे नहीं थे आपको बुलाने के लिए? सच तो नहीं बता सकते ना? नहीं, अभी शुरू हुआ, ठीक हो जाएगा। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप बहुत ज्यादा ठीक है, बिल्कुल नहीं है आप। ये कैसे आपने ट्रांसफर क्या कर रही है? मैं जानना चाहता हूँ क्या बात है। मतलब अभी शो शुरू भी नहीं हुआ था, आदि मुझसे वहाँ कहता यार इन्होंने कैसे किया मुझे बताओ। क्या किया आपने? इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की है कैसे भाई? हम लोग जब मिले थे, जो चौथी वाली से पहले, हम तीसरी वाली से जब मिले थे, तो उस वक्त तक आई हैड स्टार्टेड माय डाइट, राइट? तो उस वक्त हमने शेयर भी किया था कि भाई आदि, लेकिन डाइट में भी इंसान कुछ खाता है, मुझे लग रहा है आप तो कुछ भी नहीं खा रही हैं, आप सिर्फ निकाल रही हैं। हाँ बातें नहीं, ऐसा नहीं है। आप आंखों में नजर आया मुझे जो मैंने कहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ओके, तो हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, लेकिन खा सब रहे हैं छोटे छोटे पोर्शंस में, 6 से 8 दफा कर दिया है मील टाइम, स्मॉल पोर्शन, पोर्शन कंट्रोल, ये साइंस बेहतरीन है जी। आप अब ये सारा कुछ उर्दू में बता दें ताकि ये भी समझ जाए। अच्छा रोटी जड़ी होंदी है ना मैदे वाली, वो भी नहीं खानी, ठीक है? बाजरा, ठीक है, आटा, हां ख्याल रखना, ठीक है, ठीक है, बाजरा ताकि अच्छा खाना खाओ, डट के खाओ। अब वो कहते हैं यू बिकम व्हाट यू ईट। यस, तो आप क्या खा रही हैं मुझे बताएं, आपको क्या लग रही हूं? ऐसा खूबसूरत केक कौन सी चीज मिल रही है मार्केट में? और आप माशाल्लाह से डाइट के बावजूद भी मनहूस सी नहीं हुई हैं, वरना अक्सर लोग जो डाइट करते हैं। और ये मनहूस इसने बहुत मैनेज किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि काशिफ भाई डाइट पे नहीं है, अगर आप उनको देख रहे हैं। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत अरसे बाद आपको देखा और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। माशाल्लाह भी बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू भैया, ये पहले बोलना होता है, हिसाब बराबर नहीं करते। तो ये आप फ्रेश भी, आपकी स्किन भी सही है, नजर लगवा के छोड़ेगा। अच्छा एक बार सब लोगों को बता दूं, शो शुरू होने से पहले ना फैजी वाज सेइंग टू आदि के माशाल्लाह बोल दे, नहीं बोलूंगा माशाल्लाह, बोले नहीं बोल रहा, मानता ही नहीं है बस बात। माशाल्लाह उन्हें मैंने नहीं बोलना, माशाल्लाह बोल ही नहीं रहा ना, बोल के नहीं दिया माशाल्लाह। मुझे अपनी नियत पे भरोसा है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा नहीं है। आपको नहीं है मुझ पे भरोसा? अच्छा जी, मैंने आपसे शुरू में गिला किया, क्या वजह है इस बात की? हाँ, क्यों आपने इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करती हैं आप, क्या वजह है? असली वाली वजह बताऊं या असली वाली? दोनों सारी वजूहात बताएं, आज पूरा शो करना है हमें। पूरा शो करना है। मैं आप लोगों को बताता चलूं, जो लोग नहीं जानते डेफिनेटली सब जानते होंगे, इनको नहीं पता था क्योंकि ये टीवी देखते नहीं है, बल्कि उस जमाने में इनके घर में टीवी नहीं था, जो सच्चाई है। मेरे अबू एक किसान थे, हमारे घर में टीवी नहीं। किसानों के यहाँ बहुत अच्छे टीवी होते हैं। मेरे अबू अजीब से किसान थे, वो रोड पे कर रहे थे क्या? काश्तकारी। अच्छा नहीं, वो ये कि एक बहुत ही जबरदस्त सीरियल था जिसका नाम था लैला मजनू, जिससे इन्होंने अपने सीरियल का आगाज किया था। मजनू थी, मजनू थी, इसीलिए तुम गरीब हो। पता क्यों? तुम्हें पता ही नहीं कि लैला मजनू में इंसान मर्द कौन सा था और औरत कौन सी थी। अच्छा लैला होगी, शुक्र, दो ही ऑप्शन है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इन्होंने आगाज किया था, और उसके बाद इन्होंने बहुत कम काम किया और फिर बिल्कुल एक्टिंग करना छोड़ दी। अब बताएं असल वजह भी और जो आप वजह सोच के। अच्छा, मुझे लगा ये आपका डाइट का खाना है, वो खाने लगी हूं। मुझे लगा लेकिन मैंने कहा था ना बेहतर होता जाएगा। मैं कोई हायर ही नहीं करता। क्या मतलब है? हायर कास्ट ही नहीं करता क्या? ये कैसी बात कर रही है? वैसा नहीं करता, मैं बता रही हूँ। आपने भी किए होंगे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स, मना ऐसी बात नहीं है, अपनी बातें भी बता दें। देखे सच्ची में मुझे याद है, आई वॉज ऑफर्ड दिस प्ले बाय तस्मीना शेख, उस वक्त करती थी स्कॉटलैंड में, लेकिन मैं उस वक्त ताज़ा एक लंदन का सीरियल करके आई थी। तो मुझे याद है नबील जो एक्टर है, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा एक स्कॉटलैंड में सीरियल है। मुझे ना घर से आके ना मामा की फोन पे थी, उन्होंने कहा स्कॉटलैंड में क्या मसला था? नहीं मसला उसका नहीं था, मसला था कि मैं पढ़ाई मेरी सफर कर रही थी, तो मैंने कहा ऑलरेडी तुम 2 महीने से सफर कर लेती। मैं भी तो करूंगा यार, मैं अगर एक बुरा कर रहा हूँ तो दूसरे को तो बुरा करने की जरूरत नहीं है ना। आप अच्छा करो। अच्छा हम लोग करते रहते अपने साथ। अच्छा जी, रहने दे, हम आपको पानी देंगे, दरख्त बन जाएगी आप। चले आगे। अच्छा खैर, तो आपकी पढ़ाई सफर कर रही थी, कहानी सुनाए, पढ़ाई सफर कर रही थी, फिर कुछ याद आ गया, पुराना कुछ याद है, किसी और ने आपको पानी दिया, आप दरख्त नहीं बनी। उनको बता नहीं पा रही, अम्मा सामने मना कर दिया, मैंने मना कर दिया। उसके बाद जो है ना एक ब्रेक आया एक्टिंग का, फिर उसके बाद आई वॉज एबल टू डू जियो का एक सबसे पहला शो था, वो किया। अच्छा मेरा था कि कम करती थी, एक एक सीरियल एक एक प्ले एक एक टाइम में करती थी, मैं बहुत कर नहीं पाती थी एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स ना। फिर क्या हुआ कि जब मैं एंकरिंग में आई तो एक्टिंग कहीं ना कहीं पीछे रह गई। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, बट अब यह है कि आफ्टर
गेटिंग माई सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक, या जितना भी वजन कम हुआ एक जरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक का क्या मतलब है? कहाँ गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बीच में? आप तो हमेशा से हमने आपको बहुत कॉन्फिडेंट देखा है। हाँ फैजी ऑनेस्टली कन्फेस करने में कोई बुराई नहीं है, ओपन हो बताने में, अपने आप को ये बताने में कि मैं भी इमोशनल हूँ, इंसान इससे कमजोर नहीं हो जाता। ठीक है, देयर वाज अ टाइम जब मुझे लोगों ने बकायदा क्या कहते हैं बॉडी शेम करना शुरू कर दिया था, एक्सट्रीम। अभी सारी बातें पुरानी हो गई, मैं जल्दी जल्दी समराइज कर दूंगी। देयर वाज अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड जजिंग मी फॉर माय वर्क, पीपल स्टार्टेड जजिंग मी फॉर माय पर्सनैलिटी। भाई अगर आप किसी को जानते नहीं हो आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है वो मुझसे आज भी प्यार करते हैं। लैला मजनू मिसबा खालिद ने किया था, एहसन तालिश के साथ मैंने काम किया, जियो में मैंने सलीम रिफाली साहब के साथ काम किया, मैंने इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, हुमायूं सईद हो, फैसल कुरैशी हो, इन सब के साथ आई वाज देयर लीड्स। बट एक टाइम के बाद आज भी फैसल कुरैशी मुझसे लड़ते हैं, तुमने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? हुमायूं भाई कहते हैं तूने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? अदनान भाई कहते हैं तूने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? लेकिन वो जानते हैं मेरा पोटेंशियल क्या है। बट जो लोग मुझे जानते नहीं है वो मुझे जज कैसे कर लेते हैं? एंड दैट्स प्रोबेबली हैपेंड विद मी। सो आई वेंट थ्रू अ लॉट, किसी को बताती नहीं थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू आ रहा था, सामने बहुत स्माइल स्माइल करती थी लेकिन अंदर से बहुत डरती भी थी कि यार पता नहीं कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन ये मसला सॉर्ट हो गया है। हाँ, कैसे किया आपने? ये भी बताते हैं सब, क्योंकि देखने वालों को भी ये बात पता होनी चाहिए ना कैसे किया, क्योंकि हमारे भी ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा सेल्फ डाउट में होते हैं। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं स्पीड माशाल्लाह सुन रही थी, मजा आया मुझे। हम स्लो बोले, एडिट पे तेज किया। ये इसीलिए आप लोगों के फैंस हैं, माशाल्लाह आपका शो इज बीइंग लव्ड, मतलब मेरी फैमिली में सबको पसंद है सच्ची में, दोनों चार लोग तो देख रहे हैं। अच्छी बात, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी सवाल पूछूंगा, आपने जल्दी जल्दी जवाब देना, ठीक है जी? ये बताएं मॉर्निंग शो या फिर पॉडकास्ट? मॉर्निंग शो। होस्टिंग या एक्टिंग? एक्टिंग। मटन या बीफ? मटन। शाइस्ता लोधी या निदा यासिर? निदा यासिर। नया पाकिस्तान या पुराना पाकिस्तान? पाकिस्तान। वाह या भाई, वाह वाह, लाना था तुम्हारी शक्ल पे कि तुमने ऐसा सवाल पूछा यार। मैं जिसने बनाया उस तक पहुंच गई होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, रमजान ट्रांसमिशन या फिर शादी के जो हमारे सेगमेंट्स होते हैं? एनीथिंग। नहीं एनीथिंग, एक जवाब देना। शादी। ये बताए शलवार कमीज या पैंट बू शर्ट? पैंट बू शर्ट। वाह। टी शर्ट शलवार। क्या तंदूर पे काम करती हैं आप? टी शर्ट शलवार क्या होता है? टी शर्ट शलवार तो हाँ तंदूर पे होता है। अच्छा जी, बाखबर सवेरा या सुबह सवेरा माया के साथ? बाखबर सवेरा। लैला मजनू या बिसात? लैला मजनू। कहाँ पे टांग रही है, या एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर? एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। क्या बात है जी, वेरी गुड। अच्छा आप पूछे क्यों मैंने एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर बोला? ये वर्ल्ड हग डे चल रहा है आजकल। वर्ल्ड हग डे चल रहा है, इसलिए एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। यार मोहब्बत बांटे जी, ठीक है। ये बताइए कि लाहौर की लस्सी या कराची का फालूदा? कराची का फालूदा। ये बताएं नाखून खुद काटती हैं या कटवाती हैं? पता नहीं, पता नहीं क्या मतलब, ऐसी चलती भी जाती है नाखून बिखर जाते हैं। सवाल है, वैसे ही जवाब है इसका, मतलब है कि नाखून को कोई कोई किसी से कटवाएगा, खुद ही काटेगा ना अपने नाखून? नहीं, अरे भाई ब्रो इधर सच्ची में ऐसे बैठा होता हूं मैं यूं। ओह माय गॉड, सीरियसली ऐसे बैठा हूं? आर यू सीरियस? वाओ। नहीं भाई, हम नेल कटर अलमारी में से निकाल के काट रहे होते हैं जुम्मे के दिन सुन्नत कर रहे थे। अरे लड़के का मैनी पेटी का सीन है भाई, पेटी की ओर। ओह माय गॉड, कहां का? हाथ पैरों पे होता है, अल्लाह की कसम सिर्फ उंगलियों का होता है, कोहनियों का नहीं होता। अच्छा मेरा मतलब ना किसकी? अच्छा किसकी? नहीं नहीं, मैं तो कटवाता हूँ, मुझसे खुद नहीं काटे सच में। हाँ, क्योंकि मैं जब काट दूँ सारे नाखून टेढ़े होते हैं। अच्छा जी, सोशलाइजेशन ज्यादा करती है काम करती है? काम। लड़कों से दोस्ती, लड़कियों से दोस्ती? सबसे। सोशल मीडिया, नो सोशल मीडिया? सोशल मीडिया। दाल चावल या बिरयानी? बिरयानी। नहीं नहीं, ये तो मेन्यू आ गया ऐसी बिला वजह पूछ रहा था मैं आपसे यार, आप आ गए बीच में, मैं क्या करूं? शो करो यार। अच्छा ये बताएं इस्तांबुल या पेरिस? पेरिस। ये बताएं डिफेंस या गुलशन? गुलशन, तेरा डी। गुलशन, यस गुलशन। अच्छा इतनी जोर से जो आपको गुलशन आ रहा है, रहती आप डिफेंस में? अरे पैदाइश गुलशन की, बड़े गुलशन। जाओ अपने इलाके में वापस। अरे तो मेरी माँ आए ना तो मैं क्या करूँगा? आप दोनों को कमेटी टाइम पे मिल जाएगी, लड़ने वाली कोई बात नहीं है इसमें। नहीं अच्छी हम आपको देंगे कमेटी। अच्छा बताएं हेवी मेकअप या नो मेकअप? नो मेकअप। हाँ वैसे आप बड़ा कम कम मेकअप करती है, क्या वजह है? गुर्बत है या शौक? गुर्बत। गुर्बत, ठीक है मैं पूछ लूँ ना। अच्छा जी, गुलाम फरीद साबरी साहब या अमजद साबरी साहब? ऑलवेज अमजद साहब। अमजद साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। लाहौरी मुर्ग छोले या कराची की पानी पूरी?
कराची की पानी पूरी। ये बताए जहाज में आपको जाना पसंद है या ट्रेन में? ट्रेन में। ट्रेन एसी वाली बगैर एसी वाली? नहीं एसी वाली। बगैर एसी वाली में कभी गई है? हाँ गई हूँ। बगैर एसी वाली का मजा ही अपना है। हाँ, आगे हाँ। वाले जो खा रहे हैं हाँ। आप उसमें शरीक हैं? आप उसमें शरीक हैं? मैं मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो एक बार मैं तुम तो कभी भी छोटे नहीं थे। हाँ, कब? मैं भी पूछने वाली थी कब उठाएगा टाइम। अच्छा हम मेरी फैमिली हम लोग जब पूरी फैमिली छोटी थी। अच्छा, हम सारे एक साथ ही पैदा हुए थे ना, मम्मी अब्बू मैं सब एक साथ ही पैदा हुए। तो 16 से बड़े हुए मैं कहा आ गए तो एक साथ ही कर लो। हां तो हम लोग जा रहे थे ट्रेन में। अच्छा, तो ना मैं यूं खिड़की पे ऐसे सर रख के सो रहा था। खिड़की पे सर रख के सो रहा? हां ना, वो ग्रिल होती है ना उसमें। अच्छा, मैं खिड़की पे सर रख के सो रहा था। ओके, एक पहले हवा लग रही थी। हां, उसके बाद मुझे ना एकदम से ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पे शलवार लग रही है। अब मैंने कहा यार ऐसे शलवार लग तो नहीं सकती वैसे। तो जब मैंने आंख खोली तो वाकई शलवार थी। तो मैं गड़ा के उठा के ये शलवार कहाँ से आ गई है? तो मैंने पूछा कि ये शलवार क्या कर रही है बाहर? किससे पूछा? जो उधर बीच में से उधर वाले नजर आ रहे थे। शलवार में कोई था नहीं? उन्होंने कहा हमारे बच्चे की शलवार गीली हो गई थी तो हमने टांग दी, तो हमने बाहर सुखाने के लिए लटकाई भी है। अब मेरा सवाल ये है, बच्चे ने मेरा सवाल ये है कि शलवार तो चले उन्होंने सुखाई क्योंकि उनकी बेचारी की मासूमियत है। बच्चा क्या कर रहा था बीच में? बच्चा इतनी देर में बच्चा क्या कर रहा था? नहीं बच्चे का दूसरे कपड़े थे, अल्लाह तेरा शुक्र। तो मैंने वो सब सूंघा जिससे बच्चे ने शलवार गीली की थी, सब मेरे मुंह पे लग रहा था। खैर इस बात को हम छोड़ेंगे, गरीब तो हम हैं। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? नहीं बात कहीं और निकल गई। किस्सा याद आया। अच्छा ये बताएं वो कौन होती है? कौन? हाँ कौन? आप खाती होंगी? हाँ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? रूट कनाल करा गया? थक गए, जबड़े थक गए, थक गए किसी और के लिए। तो कौन आप जो है वो जबान से करके खाती है? कैसे? अबे ऐसी खाते क्या? मैं क्या अकेला हूँ? करते हैं ना? नहीं करते। कौन करता है यार? मैं आपको ये समझाता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। हाँ, जब डॉक्टर के पास जाए हाँ। तो वो कहते ना करो, कहते वो कहते आ करो। हमारा डॉक्टर ए कह रहे हैं। अबे तेरे डॉक्टर को भी डॉक्टर की जरूरत है? ए नहीं होता, होता है आ। तुम करो आप जबान बाहर नहीं आती ना, निकाले। अभी कौन सी आ रही है अंदर फंस गई भाई। अच्छा अच्छा भाई, जैसे भी आपकी जबान बाहर आ रही कौन जो है हाँ, करके खाती है या चक मारती हूँ ऊपर से? हैं नहीं, चक मार लेनी है मैं। चक मार रहे? कौन चक मार के कौन खाता? असल में हम लोग भूल गए। जिसके दांत मजबूत हो धागे, जिसके दांत मजबूत हो वो चक मार सकता है आइसक्रीम। ठीक है, इनका अपना है, सही है, आप सही भाई। अगर दांत में सेंसिटिविटी होती होगी तो आप आइसक्रीम खाएंगे तो आपको लगता है ना सेंसिटिविटी क्या होता है दांत में सेंसिटिविटी? अब ये था फिर आ हुआ फिर ओ हो गया। अच्छा चले, ये बताएं कि आप ड्रामास देखती हैं? हमारे ड्रामास देखती नहीं? देखती नहीं हमारे नहीं, पाकिस्तानी हमारे तो कोई भी नहीं देख रहा वैसे। देखती आप लोगों के? देखती हूँ हमारे है ही नहीं जब भी। तो ये बताएं आपको हुमायूं सही ज्यादा अच्छे लगते हैं या फैसल कुरैशी ज्यादा अच्छे लगते? ये तो कोई सवाल नहीं हुआ, ये जवाब भी नहीं था। नहीं सॉरी, ये कोई सवाल नहीं क्यों? हुआ नहीं, नहीं, खेल रहे? मुझे बहुत प्यारे हैं भाई। नहीं तो हमें भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन कोई अगर इनमें से कोई एक चुनना हो तो फर्ज करें मैं दोनों। अच्छा आप छोड़े, मैंने आपको एक ड्रामा ऑफर किया है, ठीक है जाए कर ले, ठीक है। मैं आपको ड्रामा ऑफर कर रहा हूँ, आपके साथ एक लीड पे एक एक्टर है। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फैसल कुरैशी या हुमायूं सईद। आप एक काम करो, उनसे पूछ लो, वो मेरे साथ काम करेंगे। उनसे मैंने पूछा है, वो तो मना कर रहे हैं। अब आप बताओ। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा तीसरा ऑप्शन। फहद ने अपना पहला प्ले मेरे साथ किया था। अच्छा मजे की बात है कि मैं आपको, आप बता रही थी, आप मुझे वापस याद आ गया। अच्छा ये बताएं आप, आपने कहा हमारे ड्रामास बिल्कुल भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं, नहीं। कोई फिल्म्स, कोई कुछ नहीं आती है तो मैं थोड़ा बहुत जो प्रोमोस वगैरह या स्टोरी कुछ देख पाती हूँ देख लेती हूँ, लेकिन वैसे मैं नहीं देख पाती हूँ। अच्छा ये बताएं अगर अब आपको ड्रामा ऑफर होगा तो आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगी? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब उसमें वो आपको कह रहे हो 10 मिनट में 3 किलोमीटर भागो, किस तरह का चैलेंजिंग? वकार जगह के साथ करेंगे? बगैर शर्ट के बहुत खुश है वो।
वकार मैंने नहीं गाए, इसने गाए। नहीं वकार हाँ। भाई मेरे मेरे भाई के वो क्लास फेलो भी हैं। हाँ। और मैं मेरे बता रही हूँ क्योंकि वकार एंड आई गो लाइक हम लोग बहुत पुरानी कोलीग्स हैं और शुरू से ही वकार का एक मैं देखिए तारीफ होती है जो पीठ पीछे की जाए रहा है। वकार एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मैं कभी नहीं भूल सकती है वकार ने। सो थैंक यू वकार, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको गॉड ब्लेस यू। अच्छा जब भी वकार भाई की बात होती है, वकार जगह की, मैं हमेशा ये मेंशन करता हूँ और मैं आज भी मेंशन करूँगा कि मुझे पहली बार जो टीवी पे लेके आया, जो थिएटर से उठा के लेके आया था, वो एक्चुअली वकार जगह थे। और उस वक्त थैंक यू वकार फॉर गिविंग दिस टैलेंट। उसमें मजे की बात ये है कि उस वक्त वो मुझे अपनी जेब से पैसे देते थे, मुझे चैनल पैसे नहीं देता था। मुझे जाते थे वहाँ, हम शूट करते थे, वापसी में मुझे अपनी जेब से पैसे देते थे और मुझे घर ड्रॉप। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, वेल डन वकार भाई। सो थैंक यू वकार भाई, अल्लाह पूछेगा आपको। चैलेंजिंग ही होना चाहिए कि जिसमें आपको ये ना पता हो कि उसको कितना नेचुरल आप बना सकते हैं। और चैलेंजिंग वो होता है जिसमें आपको देखे, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, एंथनी सर एंथनी हॉपकिंस सेड लेस इज मोर, लेस इज मोर। सो आपने एक्टिंग ऐसे करनी है जो आपको लगे भी नहीं कि आप एक्टिंग कर रहे हो, आपके लिए इतना चैलेंजिंग हो जाइए, इतना सिंपल, इतना ऐसा कैरेक्टर है कि इट्स नेक्स्ट डोर गर्ल, बट फिर भी आप ना कर पाए, दैट इज चैलेंज। एक कहानी बनाते हैं ना, चलें आप लीड में हैं, आपके साथ फाद मुस्तफा है, योर मॉम हैज टू बी देयर। सुने, माय मॉम हैज टू बी देयर। आप लीड में, इनकी अम्मी जो है वो दादी है। हाँ। दादी क्यों है, इतनी बड़ी तो नहीं है, अम्मी है भाई। अभी हम कास्टिंग कर रहे हैं ना, एक्टर इज लाइक अ वाटर ना, वाटर मिली नहीं रहा। ठीक है, परवीन अकबर जो है वो आपकी दादी है। हाँ। आप है। हाँ। ये आपके शोहर है। हाँ। काशिफ भाई आपकी नहीं, ये आपके शोहर है। एक मिनट, नहीं गलत गलत बात, ये आपके शोहर है, उसमें पांच छह लोग सारे और ड्रामे का नाम है खुदकुशी। अच्छा चले भाई, दादी हो गई, दादी हो गई, शौहर हो गया। हाँ। दादी के बाद शौहर ही होगा ना यार, दादी के बाद तो दादा होता है वैसे तो, शादी के बाद। और अब हम जो गेम खेलेंगे उसका नाम आप हमें बताएं क्या होगा। गेम वेरी गुड, काफी आईक्यू लेवल आपका तेज है माशाल्लाह। अच्छा जी, उसका नाम है यस नो मेबी। इस गेम में होगा ऐसे कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपने यस नो मेबी यूज नहीं करना अपने जवाब। अजी बकवास है, नहीं कर सकते, बकवास नहीं, गेम है ये। यस नो मेबी नहीं बोला, हाँ नो मुझे ये आपकी जुमले में नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं मुक्का मार दूंगी, मैं नहीं, मुक्का भी मार सकती है लेकिन हाँ ना और मे भी नहीं बोलना आपने। ठीक है, जैसे कि पहला सवाल ये है, क्या आप लड़की है? इधर इधर जवाब देना, पूरा बोल थोड़ी बोलना है, जवाब देना आपने, पूरा जवाब। लड़की है शायद, इन्होंने तो हमें भी कंफ्यूज कर दिया भाई, ये तो आप ठीक है, अनाज का मसला नहीं, नहीं, इसका मतलब कि आप गेम समझ गई हैं, समझ गई ना। हाँ जी, लेकिन पूरा जवाब देना, लेकिन जवाब देना, एक वर्ड नहीं देना, जवाब पूरा देना, जवाब पूरा देना, हाँ ना और मैं भी नहीं बोलना। अच्छा ओके, अच्छा जी, क्या आपकी शादी हो चुकी है? हो चुकी है और हो चुकी है। ठीक है, सही है, वेरी गुड। क्या अभी भी पार्क से आपको ज्यादा लगाव है? किसे? पार्क्स। पार्क से मुझे लगाव बहुत है, बहुत है। क्या आप ईद पे मेहंदी लगवाती हैं? शौक से, शौक से लगवाती हैं। तो दुकान से क्यों नहीं लगवाती? शौक, शौक अच्छा लगाता है, शौक होता है ना। अच्छा शौक से। हाँ। जी जी शौक से, वो वाला शौक समझ रहा था, करंट लगवाने लगाता है। अच्छा जी, ये बताएं क्या आपको लगता है कि आप होस्टिंग से ज्यादा बेहतर एंकरिंग कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। वेरी गुड, मैं कर सकती। ठीक है जी, अगर आपको मौका मिले तो आप इकरारुल हसन की जगह लेना चाहेंगी? मैं इकरारुल हसन की जगह बिल्कुल लेना नहीं चाहूंगी। नहीं, वो प्लॉट बेच रहे हैं, उसकी बात हो रही है। नहीं, मैं नहीं लेना चाहूंगी, वहाँ पे इकरार को लोग जानते हैं कि वो इकरार का प्लॉट है। अच्छा, तो इकरार को नहीं जानते कि वो इकरार का प्लॉट है, क्योंकि प्लॉट भी बना हुआ थोड़ी है। क्यों लेना चाहूंगी, गुर्बत इतनी है, आप अपने घर में रह लें यार, क्यों नया प्लॉट लेंगे यार। ये बताएं कि सर्दी में आप सर्दी के कपड़े पहनती हैं? सर्दी में मैं सर्दी के कपड़े पहनती हूँ। आप माया है या माँ है? क्या आप आजकल होने वाली औरत मार्च की रिप्रेजेंटेटर बनेंगी? आजकल होने वाली औरत मार्च की रिप्रेजेंटेशन सही
कहाँ है? कहाँ है? सही कहाँ है? सही कहाँ है? ठीक है, ये बताए, वाह वाह वाह, ये बताए पानी गीला होता है? पानी गीला होता है। चलाक चल रही है बहुत। अच्छा जी, क्या आपको लगता है हुमायूं को अब हीरो का रोल नहीं करना चाहिए? हुमायूं को अब हीरो का रोल करना चाहिए। कौन से हुमायूं की बात की हमने? हुमायूं सईद। नहीं, हमने सईद तो मैंने बोला ही नहीं। तो मैं तो अपनी तरफ से जो वही वाला हुमायूं, आप अपना कर लो, हम तो हुमायूं कौन सा वही वाला हुमायूं। हुमायूं सईद को हुमायूं नहीं कह सकते, ठीक है? आप हुमायूं सईद को हुमायूं ना कहें, बहुत बड़ी वजहों में से एक है। अच्छा, ऐसा था कि लोग करते थे? ओफो, ऐसा तो नहीं है कि आपको लोग रोने वाला म्यूजिक डालो। अच्छा ठीक है, ये कैसे होने वाला है? एक तो मोटी भैंस है, मोटी भैंस आ गई, इसको देखो एक दिन फट जाएगी, इसको देखो। अच्छा, और लो भाई जान, डिजाइनर से तो कपड़े देने बंद कर देते, हमारे पास ऐसी लायक कपड़े नहीं होते। तो उनका क्या उनका मुंह टेढ़ा था? नहीं, मेरा तो टेढ़ा हो गया था सुनने के बाद। फिर तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा अच्छा, अब ऐसा नहीं कि सब डिजाइनर्स हैं, कुछ डिजाइनर्स बहुत अच्छे, सना वामिक बहुत अच्छी, रूबी शकील बहुत अच्छी हैं, सना रहीम बहुत, सायमा रहीम बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं, आई लव देम ऑल। ये मना किसने किया? ये याद नहीं, याद रखना मुश्किल है। देखो सही जवाब दिया मैंने, ठीक है चले। हाँ, तो ये मतलब रोज होता था, मतलब तकरीबन ये मॉर्निंग शो करती थी ना, ये क्या बदतमीजी है? अरे तूफान है बदतमीजी भाई जान, तूफान। अच्छा अब नहीं सुनो, दुबली हो गई, राना खत्म हो गई, राना खत्म हो गई, चेहरे पे से नूर खत्म हो गया, दुबले हो गए, किसी हाल में खुश नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है, इनका खुश नहीं हो सकता, ये खुद ही अपने लिए काफी है। लोग आपको ट्रोल करते डिजिटल मीडिया पे? लोग मुझे ट्रोल करते हैं। वाह, ये अच्छी टेक्निक निकाली आपने जवाब। हाँ, ये बचपन में सिखाते थे ना, सवाल याद कर लो जवाब खुद ही मिल जाएगा। ये वही वाली टेक्निक है। अच्छा जी, क्या आपको लगता है अब की जनरेशन हमारे वक्तों से ज्यादा क्रिएटिव है? मुझे लगता है हमारी जनरेशन बहुत क्रिएटिव है। आपने मैट्रिक तो नहीं किया? मैट्रिक, ये मैट्रिक के बच्चों की टेक्निक है। क्या आपको लगता है की अब मॉर्निंग शोज के फॉर्मेट में एक बड़ी तब्दीली आनी चाहिए? लाजमी। क्या तब्दील है? मैं ही जाना। हमारा पीछे से बैंड कह रहा है, हमारा बैंड कह रहा है अब दोपहर में होना चाहिए। कोई वजह है, ये बैंड यहाँ पर मौजूद है। मैं एक सलूशन, माशाल्लाह हमारी तरह ही बातें करते हैं। मैं कौमी सलूशन देती हूँ। कौमी सलूशन, माया खान से मॉर्निंग शो कराएं। आप यार कौन है जो नहीं करा रहा, यार नाम बताएं। कर रही है वो? वो तो मैं न्यूज पे कर रही हूँ ना। बोल, आप देखें फॉर्मेट आपने बोला चेंज होना चाहिए, तो चेंज होना चाहिए तो माया खान से। अच्छा, वो करना चाहिए, देश सादा राजा मेरे बाबुल्ला प्यारा, देश सादा राजा। इसलिए कि लोगों के बड़े डिप्रेस, लोगों के बड़े सेड, ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, खाना जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है गरीब होते जा रहे हैं, उनको चाहिए एंटरटेनमेंट, ठीक है, उनको चाहिए हंसी, खेलना, मजाक, चुटकुले आदि, फैजान जैसी रौनक उनको सुबह में भी चाहिए। जब आदि फैजान सुबह में आते थे तो लोग देखते थे। ये तो अपने मॉर्निंग शो से हमारे मॉर्निंग शो पे आ गई। आप अपने आप को बेच रही हो, हमें बेच रही हो, पहले क्लियर कर, डिसाइड कर लो। आप हमें भी जॉब दिलवा दी। तुम दोनों मुझसे अलग हो? नहीं। ओफ पगली, हम आपसे अलग नहीं है। नहीं नहीं, आप मॉर्निंग शो करें और हमें बुलाएं, लाजमी हम नहीं आएंगे। नहीं मतलब नहीं, 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 आपने जिस दिन मॉर्निंग शो शुरू किया ना, उसी दिन करिएगा, क्योंकि फिर पैसे कटेंगे आपके। कहीं और करूंगी। नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए, जो खवातीनों के लड़ाई हो जाती है, खवातीनों क्या होता है? खवातीन एक दफा अनवर मकसूद साहब ने मेरा ये खवातीनों कहने पर इतना रिकॉर्ड लगाया था। फिर कितना बना था? मैं पानी पानी हो गई थी। अनवर मकसूद साहब भाई, मैंने डू स्टॉक तकरीबन 1.25 साल तक प्रोड्यूस किया था, ठीक है? प्रोड्यूस किया था आपने? आप प्रोड्यूसर भी थी? जी, ठीक है। तो इससे मेरी खवातीन कहाँ रह गई थी बीच में? खवातीनों। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो खवातीन की आपस में लड़ाई हो जाती है अक्सर, मैंने देखा हमारी एक्ट्रेसेस खास तौर पे, और उनके होंठ ऐसे सूजे हुए होते हैं। लड़ाई के बाद या पहले? वो लड़ाई से नहीं सूझते फिर। हाँ, वो लड़ाई से नहीं सूझते। सही तो कह रहे। फिर कैसे?
मैं असल में होस्ट हूँ, गेस्ट हूँ। नहीं कहा था बीच में बोलने के लिए। नहीं क्या होता, लड़ाई से लड़ाई से नहीं होते, वो दूसरी तरह की लड़ाई। क्या डॉक्टर और पेशेंट की, मैं इंजेक्शन लगते हैं ना, और क्या हो गया? अच्छा इंजेक्शन लगा, चलो खैर। तो ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस बारे में? ये जो सूजे हुए होंठे हैं, सबकी अपने होंठ है, मैं क्या उनके होंठों के साथ बोलूं? नहीं करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए भाई, आपकी चॉइस है सबकी यार, अपना मुंह अपने होंठ जो मर्जी है। जवानी से होता क्या है, मतलब क्या स्ट्रॉ जोर से पकड़ना है, क्या करना है, ये क्यों सुझवा रही है, ये क्यों किया जाता है? आपको पता है ऐसी खवातीन जब पानी में डूबेंगी सिर्फ होंठ ही ऊपर होंगे, यूं यूं करके। मैंने इमेजिन किया, आपने भी किया ना, लाना था। खैर ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, वेरी बैड। आधे मतलब आपके लिए जिसको जिसको जो करना है करें। अगर आपको मैं ऑफर दूं कि यार मैं आपके होंठ सुझवा देता हूं, आप हां कहेंगी या ना कहेंगी? मैं तो आपके होंठ आप खुद ही सुझा दूंगी, आपको मेरे होंठ सुझवाने की जरूरत नहीं। मैं सुझवा दूंगी वहां पे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप इसके खिलाफ है? चले अच्छी बात। नहीं ना, मैं खिलाफ हूँ ना, मैं जो है वो नहीं, ये बहुत लंबी। सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी चॉइस है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी हेल्थ है, सबका अपना दिमाग है, सबके अपने अमाल है, जिसने जो लेके जाने और पैसे भी अपने ही हैं। मैं क्या करूं भाई? नहीं, और मुझे ये बताएं, हमारे ये पूछने का मकसद सिर्फ आजी भाई का ये था कि क्या आप इस बात से सहमत हैं ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि लोग मशवरे भी देते हैं। किसी ने मशवरा दिया आपको कभी? बहुत कुछ होना चाहिए, बिल्कुल। मुझे एक्चुअली मशवरा नहीं दिया, मुझे खुद शौक चढ़ा था। अच्छा। मैं गई थी कि मैं बहुत सब सभा में करती थी, मंचों में गई, तो मैंने कहा सब लोग करा रहे ना, मैं भी। ये बड़ी बात है कि सुबह में मॉर्निंग शो कर रही थी, ये जरा मुश्किल था लेकिन कर लिया इन्होंने। आसान नहीं होता, मोस्टली लोग शाम में मॉर्निंग शो करते हैं, आसान नहीं है, रिकॉर्ड करवाते हैं ना। अच्छा अच्छा, बताएं आप गई थी फिर? फिर तुमने कर ली बेइज्जती, दिल भर के पेट भर के कर आगे कर लो। अच्छा अब मैं बोलूं? नहीं बोलूं, बोले प्लीज। तो मैं गई थी डॉक्टर साहब के पास, मैंने कहा डॉक्टर साहब, हां ये भी वैसे मेरे पास आए इंजेक्शन लगाने, मैं लगा दूं? नहीं, मैं कह रहा था बड़ी बात की आपने कि आप गई हैं डॉक्टर साहब के पास। हाँ, हाँ। तो मैं जब गई उनके पास, मैंने कहा सर मुझे बड़ा शौक हो रहा है, उन्होंने कहा दफा हो जाओ, ये बता रहा था बेइज्जती अपनी। ओ तो ये तो मोड़ तो नहीं, आपको मुंह सूझ गया होगा, कोई जरूरत नहीं कराने की। ये कैसे डॉक्टर साहब थे? उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, तुम क्यों, क्या क्या कराना था? तो बोला था मेरे बाप नहीं बनो डॉक्टर बनो, है बोला था मेरे बाप नहीं बनो डॉक्टर बनो, जो कह रही हूँ करो। नहीं वैसे ये क्या बात हुई, क्या आप दफा हो जाओ? कोई बन भी नहीं, कैसे डॉक्टर, ये कैसे डॉक्टर था भाई, मना कर दिया? अच्छे डॉक्टर थे, पेशेंट का बहुत बड़ा नाम है, मतलब उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, क्यों तुम्हें फजूल में ये काम करना? मैंने कहा ऐसे सब करा रहे हैं तो मैं दिल चाह रहा था, उन्होंने कहा नहीं। अच्छा वो वैसे आप, अच्छा मैं नोट करता हूँ, जितने भी डॉक्टर ये सारे काम करते हैं खुद के मुंह सही होते हैं उनके। हाँ सही कह रहे, वेरी नाइस, बात तो है लड़की, बात है लड़के ने बात आधे घंटे डेढ़ घंटे में, डेढ़ घंटे में एक बात सही की लड़के। हाँ वाकई में। हाँ जी, सवाल। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा माया जो आई है आज हमारे शो में, तो इतनी स्मार्ट और खूबसूरत लग रही है कि कतील शिपाही साहब का एक शेर में अर्ज करूं। अरे वाह 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 वाह, रोमांटिक म्यूजिक, इरशाद रोमांटिक म्यूजिक, इरशाद एक से पहले हम आपको म्यूजिक माहौल बना के देंगे। हाँ माहौल बनाए जी जी, लाइटें कम करें थोड़ी सी। अब आप कतील शिपाही साहब को ले आए तो फिर आइए जी जी। सदियों का रच जगा मेरी रातों में आ गया, वाह वाह वाह, सदियों का रच जगा मेरी रातों में आ गया, वाह वाह, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। अरे वाह वाह वाह, सदियों का रच जगा मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि तुम बब्बर शेर सुनाओ, शेर सुना दियो। का क्या बहुत खूब रच जगा, सदियों का रच जगा वाह मेरी बातों में आ गया, वाह 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 वाह, सदियों का रच जगा, सदियों का रच जगा मेरी मेरी बातों में आ गया, आ गया, मैं जा रहा था एक कुत्ता मेरी टांगों में आ गया। भाई इसी पे मुकर नज़म को मुकर्रर करेंगे, नज़म को मुकर्रर करेंगे कि सदियों का रच जगा, सदियों का रच जगा, आम बात नहीं है, सदियों का, सदियों का, सदियों का रच जगा। इसका इसकी आप टी शर्ट बनवा ले, सदियों का रच जगा मेरी रातों में आ गया, वाह वाह वाह, नल खोला तो नल हाथों में आ गया। भाई वाह, लेकिन जी जी कंप्लीट करें आप भी, सदियों का रच जगा वाह वाह मेरी रातों में। यार क्या मतलब क्या तमीज से सुनाए, मेरा दिल चाह रहा है ऐसा लग रहा है वुजू करके आ जाऊं जी। सुनाए इतनी आपने तमीज से सुनाया, यकीन करें, बोले बोले, ये तरीका होता है सदियों का रच जगा मेरी रातों में आ गया, वाह वाह वाह, आपके पास मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों की लातों में आ, वाह 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 वाह, भाई वाह, ये आपने अच्छा खेल शुरू किया, हम करेंगे आइंदा। लेकिन ये अच्छा शेर था सर, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा शेर था जिसकी खिचड़ी हमने बनाई। आपने कितनी प्रैक्टिस की थी इसकी? हां सच सच बताइएगा। अच्छा देखिए अभी 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 तो नहीं किया आपने, ये कतील शिपाही साहब का आपने अभी कर दिया,
नहीं नाम तो याद होगा। याद आ गया आपको? चले आमद 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 हो रही है। अगला सवाल माया, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर ट्रांसफर। ओह माय गॉड, प्लीज, ये सिर्फ इन लोगों को समझ आएगा। क्वेश्चन ये है कि जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही थी, आपने ये तो नहीं सुना आए माया क्या तुम बीमार हो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये बहुत ज्यादा आता है जब कहते ना कि रौनक खत्म हो गई, बीमार लग रही हो, बीमार तो नहीं हो, खाया पिया करो, कुछ खाया नहीं, खाया पिया तो कोई नहीं कहता, कहते बीमार लग रही हो, बीमार हो गई हो। एक्चुअली मुझे कोविड डेल्टा हुआ था, ये बात सच है, कोविड डेल्टा, यस, और एक ही साल में मुझे दो दफा टाइफाइड हुआ था, तो इसकी वजह से सेहत बाकी मेरी, और अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, इसलिए आई बिलीव कि अब कोई कुछ भी कहता रहे मुझे जिंदगी जीनी है बिंदास। क्या बात है, परफेक्ट। तो अमीरों वाली बीमारी होती है कोविड डेल्टा। वाह, हमें क्या हो रहा है, इसको इसका पेट अंदर से छोड़ो इस बार। हाँ जी, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा आपसे सवाल है। मैं जाहिर सी बात है उनसे ही होगा। नहीं वैसे मैं आप तीनों से भी कर सकते हैं सवाल। नहीं नहीं, हम इंटरेस्टेड नहीं है। वैसे आजकल हम लोग देखते हैं लोग सुकून की तलाश में काफी, अरे पगले बोले के आजकल लोग, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपका सवाल मुझे अच्छा लग रहा है, प्लीज बताइए। सुकून की तलाश में लोग आजकल काफी फिर रहे होते हैं हमारे मारे, जबकि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस्लाम की तरफ लगाए, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ कि एक होता है ना कि एक राय हो अच्छी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद उवैस फरीदी। सैयद उवैस फरीदी, फरीदी, अच्छा, हक फरीद या फरीद। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगी कि सुकून मुझे, मैं 2013 में पेरिस गई थी पढ़ने के लिए, 5-6 महीने मैंने वहाँ गुजारे थे। उस वक्त मेरा एक ब्रेकअप हुआ था और मैं कह रही थी कि अब मैं पेरिस जा रही हूँ, वहाँ पढ़ने में लग जाऊँगी, बड़ा मज़ा आएगा। उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया अगर सुकून आपके अंदर नहीं है तो पेरिस जैसी जगह में भी नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, आपने दीन के बारे में पूछा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी दीन वो मजहब है जिसको जान के अगर उसको फॉलो किया तो फिर वापसी नहीं हो सकती। वाह, खूबसूरत बात जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल आपसे है कि मुझे ये पूछना है कि जैसे मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मेरा 105 kg, तो अब मैं काफ़ी नीचे आया 60 kg। बिल्कुल, तो मतलब मुझे आपसे पूछना है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मतलब फोर्स किया टू रिड्यूस योर सेल्फ, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह महबूबा ने कहा 70 पे पूरे नहीं आ रहे, क्या वजह थी, क्या वजह थी? मेरी वजह ये थी कि मैं चूंकि यूनिवर्सिटी में के सेकंड ईयर में था, तो वहाँ मेरे दरवाजे में नहीं गुजरे थे, क्या था? नहीं क्या हुआ, मतलब दोस्तों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया मतलब, और तो इस वजह से मोटिवेशन मिला और फिर कोविड के टाइम में मैंने अपने आप को जो है वो फिर मैं बताऊँ आपको, कोई यूनिवर्सिटी या कहीं माशरे की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है, उसको आप रीजन बनाते हैं, उसको रोड मैप बनाते हैं, फिर आपका गोल सेट हो जाता है। हाँ जी, कोई और सवाल है हमारे पास? मुझे ये मालूम करना है कि आपकी ब्यूटी और स्मार्टनेस का राज क्या है? ब्यूटी और स्मार्टनेस का राज ये सुबह उठ के दो प्याज लेती है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपने आप नहीं, को ना तो मैं तो ना अपने आप को स्मार्ट समझती हूँ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखने को है, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन हाँ अगर आप ये कह रही हैं कि मेरे चेहरे पर अगर आपको कोई तसल्ली नज़र आ रही है तो वो सिर्फ इस बात की है कि मेरे लिए उसने एक रोड मैप बनाया हुआ है, ही इज़ द मास्टर प्लान, मेरा कोई भी प्लान होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, जो मास्टर प्लान है वही मेरे लिए अच्छा है, उसी को फॉलो करो, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इतनी प्यारी प्यारी आप बातें करती जी मेरी जान, कर बकवास अगले जुमले में। तारीफ करने लगा था मैं तो। नहीं नहीं, ये जेन्युइन तारीफ थी, बताऊं ये मैं जानता हूँ, ये जेन्युइन तारीफ, अगर आपको नहीं इज्जत राज अच्छा चल कर। नहीं मैं आप कह रहा था माशाल्लाह इतनी प्यारी प्यारी बातें करती हैं और इतनी प्यारी प्यारी आपकी एनर्जी है, हमारे शो पे फिर क्यों आई है, ढंग की जगह पे जाती है। हां जी सवाल था, मैं जानती हूं ना, आई नो हिम। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अरे तो इसमें तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। अच्छा फेवरेट, मेरा आपसे सवाल है क्योंकि टिकटॉक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, अल्लाह खैर, और बहुत सारे स्टार्स भी निकल रहे हैं, अल्लाह निकल रहे हैं जी, निकल रहे हैं, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि टिकटॉक क्या जनरेशन के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? देखिए कोई भी चीज़ ना वक्त के लिए किसी ना किसी रीज़न से होती है, अच्छी या बुरी ये वक्त के साथ ही पता चलता है, ठीक है, टिकटॉक पे अच्छा कंटेंट भी है, टिकटॉक पे बुरा कंटेंट भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि जो वहाँ से टैलेंट निकल रहा है
मेरा उस पर रिजर्वेशन सिर्फ इस बात का है, पहली चीज उनका नसीब उनको जहां लेके जाएगा मैं कोई नहीं होती उस पर सवाल करने वाली। दूसरी चीज हाँ, वो बहुत आसानी से शोहरत पा गए वो तमाम लोग, हमने बहुत मुश्किलों से शोहरत पाई है, बहुत मुश्किलों से हमने, हमें काफ, हमें खे, हमें ते, हमें उठना बैठना पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान में, तालू से जबान लगना, बड़ों से बात करना, बैठने की तहजीब, बात किस तरह करनी है, सवाल कहाँ करना है, गैप कहाँ देना है, पॉज कहाँ लेना है, ये सब सिखाया गया है हमें। तो ये हम सीख कर आए। बाकी ये पर तो क्या टिकटॉक इंस्टॉल है आपके मोबाइल में? मैं लाजमी हूँ, माया खान है। अच्छा, आप भी स्लो मोशन में चल रही हो? नहीं, नाम याद नहीं रहता मुझे, मेरे भतीजे ने बताया था, बट है माया खान। हाँ, आप फॉलो कर लेना, करो ना। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा टाइम निकाला और हमारे शो पर आई। हमने बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए, लेकिन आपने बहुत सारा टाइम निकाला, हमने बहुत सारे पैसे निकाले। हाँ, दोनों तरफ से बराबर हो गया। अच्छा, इसलिए नहीं बोला तुम दोनों ने इतने अच्छे से मुझे? तो और यहाँ करती थी तब भी नहीं तुम भाई, आप 1800 मांगती हो। हाँ, अब 1800 जमा करने में टाइम तो लगता है ना। हाँ, हमारे दोनों के मिला के 1200 नहीं हो रहे, और डॉलर बढ़ भी गया है बहुत। लेकिन पॉइंट इस बात का है कि मैं तो नीचे खड़ी होती थी शो और ये लोग ऊपर होते थे, मैं इतना मिस करती थी इन लोगों से मिलना, बट फाइनली हमारा। कहते हैं ना अक्सर पड़ोसियों की आपस में बनती नहीं है। नहीं बनती? नहीं थी। अच्छा ठीक, आपको क्या लग रहा हम दोस्त है? नहीं, कतई नहीं, वो तो हमारा चेक दोनों का एक ही नाम से आता है, तो इसलिए ताल्लुक रखा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, थैंक यू फॉर हैविंग अस, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर कमिंग। ऐसा मुझे लगा कि अब ये मुझे बुलाएंगी कभी ना कभी, तो हम उस पे लाजमी आप होस्ट कर रही हो। अरे हाँ, हम चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपका शो जो आप शुरू कर रही हैं वो बहुत अच्छा जाए, उसके साथ साथ हम आपको सीरियल्स में देखें। आप करेंगे मेरे साथ एक्टिंग? बिल्कुल करेंगे, ये मेरे साथ कर चुका है, मुझे एक्टिंग नहीं करने देता। थैंक्स, इससे मुझे एक्टिंग नहीं करने, कोई अच्छी बात तो नहीं है। ओ, अच्छा, मुझे लगा तारीफ की। ये मुझे एक्टिंग नहीं करने देता। नहीं, आप जरूर अच्छे, आप जरूर एक्टिंग करेंगी, और मुझे रखे ना रखे लेकिन आपका काम बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, भाई दोनों आपके साथ हैं। जाने से पहले आप हमारे लोगों को कुछ कहना चाहती हैं तो प्लीज कह दें, ये मत कह दीजिए कि इन दोनों को निकाल दो, और ना ये कहेगा और ना किसी से पैसे मांगेगा, नॉर्मल कोई बात करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि आ रहे हैं, इससे बड़ा सबका जारी है, और कोई नहीं है, नहीं है, नहीं किया, कमा रहे हो, कमाए जाओ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 शो।